जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं नई वाली एसटी यादव जो मैथ्स की बुक है उसका पाई चार्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसके अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं चौथा पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम लोग अपनी क्लास को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए, जो आज का 59 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से है, सवाल ये यहाँ से है। सवाल ने क्या बोला है तो आप कहेंगे भैया कि सवाल ने बोला हुआ है यहाँ से कि त्रिज्याखंड D2। अब त्रिज्याखंड D2 कहाँ है, ये है 23%। त्रिज्याखंड अगर मैं D2 की बात करूँ ये कितना है, 23% है। D2 कितना है, 23%। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, और D3। अगर मैं D3 की बात यहाँ से करूँ तो आप लोग बताएंगे भैया D3 कितना है, आप कहेंगे ये है 17%। कितना है ये, 17% है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है बनाए गए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर बताना है आप लोगों को। तो देख लीजिए, मेरी बात सुनिए यहाँ से, इनके दोनों के बीच का अंतर कितने प्रतिशत का है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया यहाँ से अंतर 3 और 3 6% का है। कितने का, 6% का। अब केंद्रीय कोण बुझा है, जब भी हम केंद्रीय कोण निकालेंगे तो देख लीजिए क्या है, अंतर कितने का, 6% का। ठीक है, और कितने में से, आप कहेंगे पूरे 100 में से, और केंद्रीय कोण बनाना है तो 1 डिग्री 300, मतलब इसको कितने से गुणा कर देंगे, 360 से। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो चुका है, 36 छक्का 216। ठीक है, यहाँ से कितना, 216 बटे में 1.0 है, तो यहाँ आप एक पॉइंट लगा देंगे। कितना होगा यहाँ से, 21.6 डिग्री। कितना, 21.6 डिग्री की अगर मैं बात करूँ आप किस ऑप्शन में, आप कहेंगे 21.6 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, इन दोनों का अंतर करना था, बटे में क्या है, प्रतिशत दे रखा तो बटे में 16 जाओ, डिग्री बनाना है तो 360 से कर लो। कितने से, 360 से कर लो। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ से, देखो इसकी आय दे रखी है कितनी, 26,000। यहाँ दे रखा महेश की आय 26,000 दे रखा है, तो उसने कहा है कि उसकी आय 22,000 होती तो विविध व्यय कितना कम होता। अब मेरी बात सुन लो, यहाँ से कितना था, आप कहेंगे भैया ये कितना था, 26,000 थी पहले आय, कितनी, 26,000। अब कितनी है, आप कहेंगे भैया अब आय हो चुकी है 22,000। कितनी, 22,000। कितनी कम कर दी, आप कहेंगे 4,000 कम कर दी। कितनी कम, 4,000 कम कर दी। ठीक है, तो यहाँ से किसका पूछा है, विविध आय का। मेरे भाई विविध आय कितना है, आप कहेंगे विविध आय 17% है। विविध आय कितना है, आप कहेंगे 17% है, तो बस आप इसका 17% निकाल दो। आप इसका कितना निकाल दो, 17% निकाल दो। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए बटे 100, 0 से 0 17, देखो एक जीरो तो आएगा, और 17 चौका क्या होते हैं, 68। लास्ट में 80 किसके पास है, तो आप कहेंगे इसी के पास है। ठीक है, ये होगा, फिर भी कर लीजिए 17 चौका 68। आप कहेंगे कितना आ चुका है, 680 आ चुका है। कितना आ चुका है, 680। कुछ नहीं करना था, जो उसकी पहली आय थी 26,000, जो उसकी बाद वाली आय थी 22,000, दोनों का अंतर कर लो 4,000, और विविध पे कितना खर्च हो रहा था, 17%, तो 4,000 का 17% निकाल दो, कितना आ जाएगा, 680% आ जाएगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल यहाँ से है कंपनी C6। कंपनी C6 की अगर मैं बात कर लूँ तो कंपनी C6 का प्रदत्त लैपटॉप का संगत केंद्रीय कोण यहाँ से आपको बताना है। C6 का संगत केंद्रीय कोण तो C6 में आप देखोगे कहाँ पे है, यह है 11%। क्या है, 11%। तो ये 11% टोटल कितने में से, आप कहेंगे भैया टोटल 100 में से, और केंद्रीय कोण निकालना तो गुणा कर देंगे 360 से। कितने, 360 से, 0 से 0 कट गया, और 11 इसकी गुणा कितनी होगी, 396 होगी। 396 बटे में कितना है, 10 है, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, ये डिग्री होगा। 39.6 डिग्री आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है, 39.6 डिग्री। बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या है, 39.6 डिग्री है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। यहाँ से देखो महेश की आय कितनी दे रखी है, 26,000। वह किराए पर कितना व्यय करता है, किराए पर आप देखेंगे किराया कितना है उसका, मात्र 8% है। कितना है किराया, आप कहेंगे भैया मात्र 3% है भाई। ठीक है, 3% है किराया, सही है, 3% है किराया। तो आप क्या करेंगे, इसका 26,000 का 3% निकाल देंगे। कितना, 26,000 का कितना, 3%, तो इंटू 3/3 कितना, मेरे शेयर 100। ये 00 से 00 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से 1 0 ये, ठीक है, 3 6 18 के का 8 हंस लगे, 3 2 6 1 7 आप बताएंगे कितना आएगा, 780 आएगा। ठीक है, 780 भाई, ये फिर क्या है, फिर तो ये 8% है। वह किराए पर कितना व्यय करता, तो फिर ये 8% है भाई, 8।
ठीक है, ये कितना है फिर 8% है, मतलब साफ नहीं दिख रहा, ठीक है, चलिए 8 ही है शायद, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे 26,000 का 8%, तो 8/100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो ऐसे रहे, और 6 8 6 48 के का 8 हासिल लगे कितना, 4 8 16 4 20, फिर ये आ चुका है कितना 20-80, क्या 20-80 है, आप कहेंगे जी हाँ 20-80 है, तो ये कितना है 8% है, 20-80 है आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला सवाल फिर आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल है 2015 में चयनित हुए उम्मीदवार 2013 में चयनित हुए उम्मीदवारों से कितने प्रतिशत कम है। तो आपसे मैं अगर पूछ लूं 2015 में कितने प्रतिशत उम्मीदवार चयनित हुए हैं, तो आप कहेंगे भैया जब 2015 वाले सेशन पर जाएंगे हम लोग तो 10% हुए, कितने 10%, ठीक है। मैं 2013 की बात कर लूं, अब आप बताएंगे भैया 2013 में कितने हुए हैं, तो आप कहेंगे ये हुए हैं 25%, कितने 25%। तो अब बताओ ये कितने कम हो गए, अगर मैं यहाँ से आप सकूँ तो ये 2013 में 25 थे और 2015 में कितने होंगे 10, कितने कम हो गए, आप कहेंगे भैया 15, कितने पे, आप कहेंगे भैया 25 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा फिर से 100, 25 चौके 100 और 15 चौके 60, तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर आ चुका है 60%, कितना आ चुका है 60%, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। तो 60% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 60%, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 60%। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, सवाल यहां से है, क्या है ये है, 6 अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधित्व लेटरल दर्शाया गया है केंद्रीय कोण, तो यहां से आपको ये बताना है। सवाल है कार्यालय में यदि लैपटॉपों की कुल संख्या 3800 है तो कंपनी C2 और C3 के लैपटॉपों के संख्या में अंतर, तो C2 में और देखना है और किस में C3 में देखना है कितने कितने लैपटॉप है, C2 में कितने हैं, आप कहेंगे भैया 22% है, कितने 22%, और C3 में कितने हैं 18%, मैं आपसे कहूँ दोनों का अंतर कितना होगा, आप कहेंगे भैया ये होगा 4% का अंतर, बस आपको यहाँ से 4% का मान निकाल देना है, कितने टोटल कितने हैं 3800, टोटल कितने हैं 3800, इसका आप लोगों को 4% निकालना, 4/100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं, 4 8 32 के का 2, मतलब इकाई का अंक 2 होगा कि सभी में है, 4 8 32 के का 2 हाँ से लगे 3 4 3 12, 12 और 3 कितना होगा, आप कहेंगे भैया 12 और 3 15 होगा, मतलब कितना 152, गलत कह लिया क्या भाई, 4 3 12 लैपटॉपों की कुल संख्या, कार्यालय में लैपटॉपों की कुल संख्या 3800 है तो कंपनी सी और डी की संख्या में अंतर कितना है, अंतर बताना था कंपनी C2 के पास कितना था, ओ सॉरी C2 और C5 है बच्चे, ये कौन है C5 है, ठीक है। चलिए देखो ये क्या है, आप कहेंगे भैया ये C5 है, चलो फिर तो ये सारा ही डाटा थोड़ा वो हो गया, ठीक है, कितना है ये C5, तो C5 में देखेंगे हम लोग कितना, C5 में आप कहेंगे भैया 13% है, कितना है 13%, तो इनका अंतर कितना आ चुका है, आप कहेंगे 9% का, बस निकाल दीजिए 3800 का 9%, 3800 × 9/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुका है, 9 8 72 के का 2 हासिल लगे 7 9 3 27 और 7 कितना 34, 27 और 7 कितना 34, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया 342 कितना आ चुका है, यहाँ से 342 आ चुका है, चलिए बहुत गजब, अगले सवाल के पास चलते हैं, सवाल यहाँ से है कंपनी C1 क्या है, कंपनी C1 रेशियो C3 का रेशियो आप लोगों को बताना है, C1 में कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे C1 में है 12%, कितना है 12, C1 में कितना है 12, रेशियो C3 में कितना है, आप कहेंगे भैया C3 में है 18, मतलब 18%, बच्चे इसको काटना है 6 से काट दीजिए, 6 × 12 और 6 × 3 = 18, तो क्या आएगा 2:3, कितना आएगा 2:3 किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 2:3, कुछ नहीं करना होता इनमें, बस वहां से डाटे से लेकर यहाँ कलेक्ट करना होता है डाटा। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2012 और 2014 को मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या का टोटल ये है 720, तो 2012 की अगर मैं बात कर लूँ कितने थे और 2014 की मैं बात कर लूँ कितने थे, तो 2012 में आप लोग देखेंगे कितने थे 20% और 2014 में कितने थे, आप कहेंगे भैया 15%, 2012 में कितने थे आप कहेंगे 20 और 2014 में कितने थे 15, तो टोटल मिलकर कितने हो गए 35%, मतलब क्या है 35% का मान निकालना, कितने का 35, ये 35 है, ठीक है 35% का मान बस निकाल दीजिए यहाँ से, कितने में से 720 का 35%, 720 का 35/100
कितना होगा 35/100 होगा, ये जीरो से ये जीरो कट चुका है, ठीक है। अब यहां से आप काटेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 2 से काट दिया इसको 36 बार। अब 36 × 7 कितना होगा, 6 × 7 = 42, के का 2 मतलब इकाई अंक 2 किसके पास है, बस एक ही ऑप्शन के पास इकाई अंक 2 है आंसर। ये होता हमारा जल्दी करने का तरीका, ये होता हमारा जल्दी करने का तरीका, इकाई अंक 2 देखा, एक ही ऑप्शन है जो वो है, ठीक है। फिर भी कर लीजिए, 42 × 4 = 7 + 21, 21 + 4 कितना बचा, आप कहेंगे 21 और 4 होता है 25, कितना 252, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, सवाल आपका आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से है, किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2012 तथा 2015 को एक साथ मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या के बराबर थी। 2012 में अगर हम देखें कितना था, आप कहेंगे 20% है, और 2015 में कितना, 10%, तो टोटल कितना हो चुका है 30%, टोटल कितना हो चुका है 30% हो चुका है, ठीक है 30%, तो किस में है 30%, तो देखो यहाँ आप देखोगे 2016 में भी कितना है 30%, 2016 में कितना है 30%, तो 2016 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। 2016 में कहाँ है 30%, ऑप्शन नंबर बी में। तो इतने सस्ते सवाल भी आते हैं डाटिस, अभी सारे ही सस्ते सवाल चल रहे हैं। अगला सवाल यहाँ क्या है कि यहाँ देखो ये सवाल जो हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, और सवाल ने क्या बोला है हमारे ने, तो आप कहेंगे भैया जो सवाल बोला हुआ है देख लीजिए, सवाल यदि एक्स की हिस्सेदारी दूसरे देशों की 40% के बराबर है और देश बी का निर्यात की मात्रा 15 मिलियन है तो एक्स का निर्यात क्या होगा। देखो यहाँ से क्या कहेंगे, बी 15% है और इसका मान कितना है 15% का, आप कहेंगे भैया कि इस 15% का जो मान दे रखा है यहाँ से कितना दे रखा है, आप कहेंगे 15 मिलियन दे रखा, मतलब क्या है 1 के बराबर 1 मिलियन है, ठीक है 1% के बराबर 1 मिलियन, तो दूसरे देशों का जो होगा इसका 20 का 20 ही होगा। भाई दूसरे देशों की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से दूसरे देशों की, तो आप कहेंगे भैया कि दूसरे देशों का जो होगा वो प्रतिशत कितना होगा 20 ही होगा, कितना होगा निर्यात 20% ही होगा। अब उसने x का बोला तो x क्या है इसका, 20 का भी कितना है, आप कहेंगे 40% है, आप कहेंगे ये कहाँ लिखा हुआ, तो ये रहा, ठीक है 40%, तो x कितना आया, आप कहेंगे ये आया भैया 8, कितना आया ये 8 आया, कितना आया आप कहेंगे 8 आया, ठीक है, तो 8% आया, ये कितना आया 8%, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां से 1% की वैल्यू देखो, क्योंकि ये क्या था, ये 15% का मान कितना था 15 मिलियन था, कितना था 15 मिलियन, तो 1% का मान कितना होगा, आप कहेंगे भैया ये 1 मिलियन होगा, तो ये 8% का मान कितना होगा, आप कहेंगे 8 ही मिलियन होगा, कितना होगा 8 ही मिलियन होगा। तो यहां से 8 मिलियन आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 मिलियन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल यहां से है, देखो क्या है, एक माह का शैक्षिक शुल्क के रूप में कितना 18,000 रुपए शैक्षिक शुल्क, तो शैक्षिक शुल्क कहाँ है, ये आपका है 90, तो 90 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे भैया 18,000 है, कितना 18,000, कितने गुना, आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 9 × 2 = 18 और 00 = 200 गुना। तब किसका पूछा है, यहां से पूछा है तो परिवार का कुल मासिक व्यय कितना है, ठीक है परिवार का कुल मासिक व्यय कितना है, टोटल बताना है, अब आपको कितना बताना है, टोटल बता देना है, कुल मासिक व्यय कितना है, ठीक है चलिए मासिक व्यय, तो इन सबको जोड़ दीजिए, देखो ये 8 इसको मैं अगर पूरा 100 बना लूं और ये 8 इसको दे दूं तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है 80 हो जाएगा, ठीक है ये 5 मैं इसको दे दूं तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहाँ से छिनूंगा तो 130 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लो 13, 10, 23, 23 + 5 = 28, 28, 28 + 37, 37 + 8 = 45, 45 + 9 = 54, 540 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 540, इसका कितना करना है आपको 200 गुना करना, तो 1, 2, 3 0 ऐसी और 54 कितना होता है आपका 108 होता है, तो आप कहेंगे 108000 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 108000, कुछ नहीं करना था, यहाँ 90 की वैल्यू 18000 दे दी तो कितने गुना है 200 गुना, तो आपको यहाँ टोटल जोड़ लो, टोटल कितना आया 540, इसका भी 200 गुना कर दो, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल यहाँ से है कि यदि व्यक्ति की कुल आय 50,000 है तो किराए पर कितना व्यय किया है, ठीक है कुल आय कितनी है 50,000 तो किराए पर कितना, तो आप कहेंगे किराए पर कितना है 16%, तो आपको कुछ नहीं करना है इस 50,000 का 16% निकालना, इस 50,000 का कितना निकालना है 16%, तो 16/100,
यहां से ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं, और यहां आप दो जीरो ऐसे लगाएंगे और 16 × 5 = 80, मतलब 3 × 0 = 8000 कितना होगा, 8000 होगा। 8000 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। 8000 होगा, 8000 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। घने सस्ते सवाल चल रहे हैं भाई, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से ये है, सवाल है बचत किराया और ईंधन पर किया गया व्यय का औसत, ठीक है। व्यय का औसत किस किस पर, बचत किराए और ईंधन पर। तो पहला बचत देख लो, बचत कितना, आप कहेंगे सेविंग कितना है, तो सेविंग है 22%, तो बचत पे 22 प्लस, ठीक है। किराए पर अगर मैं बात कर लूं, किराए पे 8, ठीक, प्लस ईंधन पे कितना है, तो आप कहेंगे भैया ईंधन पे है 20, ठीक है। इसका औसत निकालना, तो बटे कितना, 3, ठीक। अब दूसरा देखेंगे, यहां से दूसरा पोर्शन क्या था, उसने बोझा है भोजन, तो आप कहेंगे भोजन पे कितना है, 18% प्लस। भोजन परिवहन पे कितना है, आप कहेंगे 15% प्लस, ठीक है। और क्या है, बचत कितना है, आप कहेंगे भैया 22%, और बटे में ये भी कितना है, 3। ये औसत निकल चुका, अब इनका अंतर निकालना। ये कितना आया, 22 × 8 = 30 = 20 = 50/3 कितना आया, 50/3, ठीक है। इनका अंतर निकालना, ये कितना आया, आप कहेंगे 40 × 5 = 45 × 10 = 55 55/3। भाई इन दोनों का अंतर निकाला मैंने, ठीक है, तो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो कितना बचा, 5/3%। ये प्रतिशत में है, तो 5/3% बचा, कितना, 5/3%। हम लोगों को 5/3% का मान निकाल देना। टोटल कितना था, 26000, टोटल है 26000 इसका, 26000 का कितना, 5/3, ठीक है। और प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा 100 लेकर के जाएंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं, इसका गुणा कर दो, 0 का 0, 5×6 = 30 के का 0 हासिल लगे, 3×5 = 10 और 3×3 = 13, मतलब कितना, 1300/3, 3 से काटेंगे जब हम इसको, 3×4 = 12, बचा कितना, यहाँ से 1 हो गया 10, 3×3 = 9 और 3×3 = 9 कितना, लगभग 433 कितना, आप कहेंगे भैया लगभग 433, तो 433 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां से आंसर भी आपका लगभग में ही पूछा गया था। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि शिक्षा पर किए गए बीए के क्षेत्र द्वारा बनाया गया केंद्र के कोण क्या होगा। शिक्षा, आप देखेंगे शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है यहाँ से, तो आप कहेंगे भैया यहाँ जो शिक्षा पर हुआ है ये कितना है भाई, 25 है 26 है, ठीक है, 26 दिखता, ठीक। चलो 3×6 = 9, 9 × 5 = 14 है, ठीक, 26%। तो आप कहेंगे भैया यहाँ से कितना है टोटल, ये 26% है, कितने में से, 100 में से, और केंद्रीय कोण बनाना है तो 360 से गुणा करना पड़ेगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, बस इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसका गुणा करेंगे आप, तो इन दोनों का गुणा क्या आएगा, आप कहेंगे 6×6 = 36, मतलब इकाईकांक 6 आएगा, इकाईकांक 6 आएगा भाई, इकाईकांक क्या आएगा, 6 एक ही ऑप्शन में है, इकाईकांक किस में, 6 ऑप्शन नंबर ए। ये है हमारा स्मार्ट तरीका गुणा करने का, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाईकांक 6 है, 6×6 = 36, तो ये 936 ही आएगा फिर, तो 936 बटे में 10 है, तो एक पॉइंट लगा दो, यहाँ ये आ गया, ठीक है। मगर आप लोग ऐसा पूरा गुणा नहीं करने के, आप देखेंगे इकाईकांक तो एक ही ऑप्शन में था, बस इकाईकांक 6 वही आपका आंसर हो गया जल्दी से लगाने के लिए। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि परिवार की आय वर्ष 2015 में 2016 की आय से 20% कम थी। भाई 2016 में आय कितनी है, 10,80,000 है, उससे कितनी है, 20% कम। 2016 की आय की मैं बात कर लूँ, तो आप कहेंगे भैया कि 2016 की आय है 1084 × 0 कितना, 4×0 ये है। अब मैं 2015 की अगर बात कर लूँ, तो 2015 में कितनी है, 20% कम है, मतलब 1080000, इसका कितना है, 20% कम। अगर ये पूरी टोटल 100 है, तो वो कितना बूझ रहा, 80% कम। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, जब यहाँ से करेंगे तो दो जीरो इसके, एक जीरो इसके, तीन जीरो तो इधर लगा ही दो, ठीक है। और 8×8 कितना होगा, आप कहेंगे भैया 64 होगा, 8×8 तो ये आएगा आपका 8,64,000। 2015 की कितनी आएगी, 8,64,000 आएगी, 2015 की कितनी, 8,64,000। अब देख लीजिए क्या है, उसने बोला है 2015 तथा 2016 में उनकी बचत का अनुपात, ठीक है, तो इनकी जो बचत का अनुपात है 2000 थी और वर्ष 2014 तथा, ठीक, इनकी बचत का अनुपात कितना था, 2:5 था, कितना था, 2:5 था, ठीक है। अब यहां से देखो क्या है, 2015, ठीक, 2015 और कितना, 2016, कितना, 2016 ये था बचत, ठीक है।
अब आप लोग देखोगे कितना था, 2:5 था, कितना था 2:5 था। यहां से हम देखेंगे बचत कितना था, आप कहेंगे भैया 30% था, 2016 में 30%, 2016 में 5% था, मगर इसकी जगह देख कितना रखा 30 डिग्री भाई कितने गुना, 6 गुना, तो इसका भी क्या कर दो 6 गुना कर दो, ठीक है। तो 6 × 12 डिग्री क्या निकालना है आप लोगों को, 12 डिग्री निकाल देना है। अब देख लीजिए क्या बोला है, यहाँ से देख लीजिए ये कितना आया है 12 डिग्री, ये 12 डिग्री पहले हम लोग निकालेंगे किसका, क्योंकि टोटल 2016 में कितना था 108 के बाद 4×0 कितना 4×0 ये था, इसका 12 डिग्री निकालेंगे तो 12/360 ये जीरो से आपका जीरो कट चुका है, 36 × 108 कितना है, ये कितना है आप कहेंगे 000 है। तो अब इसका करेंगे 36,000 कितना करेंगे 36,000 कर लेंगे, 36,000 ये है, ठीक है, ये है आपका कितना 36,000, 4×0 है बिल्कुल ठीक है, ठीक। चलिए 12 डिग्री निकाला 360, चलिए ये आ चुका है यहाँ से कितना, आप कहेंगे ये आ चुका है 36,000, ठीक है, 36,000 कटा बिल्कुल। अब यहां से आप लोगों को क्या कहना है इसका, तो ये बचत कितनी है 36,000 की, कितने की बचत है आप कहेंगे भैया, ये बचत आई है हमारी 36,000 की, कितने पे आप कहेंगे 2015 में तो 8,64,000 पे, कितने पे 8,64,000 पे, ठीक है, इंटू कितना गुणा 100, गुणा कितना मेरे शेर 100, दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल आउट, जब आप इसको काटोगे तो 8×8=32 लगभग 4 बार, 8×32 लगभग 4 बार, ठीक है, तो बचेगा कितना 400, ठीक है, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया हुए कितना गया 4,000। तो मेरे भाई यहाँ से आप लोग देखोगे 4 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है हमारा, 4 से बचे एक ही ऑप्शन स्टार्ट है हमारा, और इस ऑप्शन का नाम क्या हमारे का, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो 4 से स्टार्ट है वो कौन है आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी है, जो 4 से स्टार्ट है वो कौन है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो यहाँ से इस सवाल का आंसर भी हमारे का क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। चलिए अगर पूरा करेंगे मैं इसको तो बचा था कितना यहाँ से 8×32 लगभग 4 के समथिंग जाएगा, चलिए अपनी गुणा कर लेते हैं भाई, वो सॉरी देसी भाग कर लेते हैं, देसी भाग करेंगे थोड़ी सी क्या है 36,000 है बिल्कुल 3600 है, इसको भाग करनी है कितने से 864 से, ठीक है, लगभग कितनी 4 बार, 4×24 के का 4 हासिल लगे 2, 4×16 के का 6 हासिल लगा 1, 4×24 और 1×25 के का 5 हासिल लगे 2, 4×8=32 और 2 कितना 34, बचेगा कितना आप कहेंगे यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है, तो 1 बार जाएगा तो यहाँ से कितना 864 ही जाएगा, 864, ठीक है, बचेगा कितना आप कहेंगे भैया यहाँ बचा 6, यहाँ कितना बचा 13 में से 6 गए 7 बचा और यहाँ 13 में से ये गए 5 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ गया, ठीक है, तो लगभग 8×48 = 8×56 ज़्यादा बार हो जाएगा 8×48 तो कितना है 4.16, कितना है 4.16, तो आप देखेंगे 4.16 और ये कितना 6 जितना भी आएगा ये ही बिल्कुल आपका सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर बी है। तो बच्चे देख लीजिए क्या है, आज ये ही इतने ही सारे क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था, हम अपनी वीडियो को आज यहीं रोकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।